राजधानी पटना से सटे दानापुर कैंट में आज बिहार के युवाओं के लिए भर्ती बहाली रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिलों से युवा पहुंचे। उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी, इसके बाद से वहां पर अराजकता की स्थिति बन गई, कहिए तो भगदड़ मच गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद से रैली में पहुंचे अभ्यर्थी नाराज नजर आए। युवाओं ने बताया कि सुबह 6 बजे से ही वो भूखे प्यासे लाइन लगाकर खड़े थे। बहाली की प्रक्रिया 2 बजे शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और उन्हें भगाया जाने लगा। बिहार से कहाँ से? बेतिया से। बेतिया से आप? रोहतास जिला से। रोहतास जिला से जी। दौर हुआ आप लोग? नहीं, हमको नहीं हुआ। बहाली कैंसिल हो गया? डीएम साहब भी बोले कहा है कि इन लोगों का प्रशासन जो है ना टाइट नहीं है, कुछ ज्यादा ही लेके आ गया था, पूरे जिले बिहार का, पूरे जिले के लेके। पहले तो 6 बजे से लाइन लगा, 6:30 बजे से लाइन लगाया है, 2 बजे से टाइम, 2 बजे से टाइम लाइन लगाया है। लाइन लगाया लगा पूरा लेकर सब एकदम अपने में बीती हो गया, टाइम मिल नहीं रहा था उस सबको। फिर वहां से उठा के लाया यहाँ पे, सब बोल रहा था कि आप लोग यही कर रहे हैं, भगदड़ भगदड़ कर रहे हैं, सही से ले आके टाइम से दौड़ा नहीं रहा है उस सबको। 10 गो में 1-2 आदमी को रखा है, बाकी सब छोड़ दिया। लाठी भी चलाया गया, लाठी चार्ज भी हुआ। वही भगदड़ और अराजकता को देखते हुए भर्ती आज कैंसिल कर दी गई है। बताया गया है कि नोटिफिकेशन निकाल कर बहाली प्रक्रिया को फिर से किया जाएगा। युवाओं ने बताया कि उन्हें जानकारी दी गई है कि महीने की आखिरी में 27, 28 और 29 नवंबर को बहाली कराई जाएगी। बहरहाल सवाल यह है कि पुलिस युवाओं की भीड़ को लेकर पहले से सतर्क या सजग क्यों नहीं थी? बहाली कैंसिल होने से युवाओं को जो परेशानी होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? युवा बेरोजगार हैं, अलग अलग जिलों से पटना पहुंचे, जाहिर है पटना आने में पैसा खर्च हुआ होगा, तो ये हर्जाना कौन भरेगा? आने जाने में भीड़ की वजह से जो उन्हें परेशानी हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शायद कोई नहीं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।